सामग्री जो दी है श्वेत में, कुछ 2-3 दिन पहले मैंने देखा कुछ हमारे गांव में, और खुद जाकर और कुछ पता किया कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं, जिन जो दिहाड़ी पे रोज़ काम करते थे, जिसको डेली वेज बोलते हैं, रोज़ कमाना और रोज़ खाना। तो जब से ये लॉकडाउन हो चुका है तब से उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। और हम रुद्रौली अयोध्या ब्रेकिंग। समाजसेवी अंसार खान ने कुछ अनोखे अंदाज में लोगों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों को 2-2 मीटर की दूरी पर बने निशान पर बैठाकर सबको सैनिटाइजर से पहले हाथ धुलवाया। हाथ धोने के बाद लोगों को राशन सामग्री वितरित की। समाज सेवी ने सारे जरूरतमंदों का ख्याल रखते हुए जो लोग घर से आने में असमर्थ थे, समाज सेवी ने उनके घर घर तक राशन सामग्री पहुँचाई और अपने गांव व क्षेत्र में गरीब, निर्धन और जरूरतमंद परिवार को राशन वितरण किया है। कोरोना जैसी महामारी की चपेट में पूरा विश्व आया हुआ है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का उपचार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 मार्च से भारत में पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा हुई है। इसके बाद से आज तक लोग अपने अपने घरों में समय बसर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे परिवार भी है जिनके सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में समाज सेवी ने बीबीपुर, लखनीपुर, खपरहिया, बरौली, काजी कपूर व आदि गांवों के लोगों को लगभग 150 गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। समाज सेवी ने राहत सामग्री देते वक्त लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ऊपर वाले ने जिस लायक बनाया है उससे अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे समाज में लोगों भूख व इलाज की दिक्कत ना महसूस करें। हम सभी जरूरतमंद के साथ इस वक्त खड़े हैं तथा लोक शासन और प्रशासन के बताने के मुताबिक अपने घरों में रहिए, जिससे कोरोना जैसी महामारी को हरा सके। समाज सेवी ने बताया कि मैंने लोगों से सुना और खुद जाके देखा कि जो लोग डेली कमाने वाले लोग थे उनके घरों में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मैंने यही सब देख कर लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाई, जिसमे चावल, आटा, साबुन, तेल व सब्जी मसाला आदि जरूरी सामानों को वितरित किया गया। इस अवसर पर रिजवान, अदनान खान, सानू खान, हलीम अजीम, डॉक्टर हसीन, डॉक्टर कसीम आदि लोग उपस्थित रहे। रुद्रौली से फतेह खान की रिपोर्ट। देखने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि 2-3 लोगों के घरों में मतलब कम से कम, कल मैंने देखा कि वहाँ उनके घरों में चूल्हा भी नहीं जला। 2-3 घर ऐसे हमारे गांव में थे कि जिनके घरों में चूल्हा भी नहीं जला, इसलिए मैंने फिर ये सामान जो लोगों को देने का तुरंत ही फैसला किया और आज सामान मैंने दिया लोगों को, बोला था। सर क्षेत्र में भी आप गए थे? हाँ, क्षेत्र में भी कई गाँव में गए था और कुछ हमारे लोग भी थे जिससे पता चला, और मैंने भी देखा कि इस टाइम जो अचानक लॉक हो गए हैं इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं उनकी इनकम बंद हो गई, तो इनकम बंद होने से जो उनके घर का